बैयर की बबली ने भोपाल के बंटी के साथ मिलकर की 1,20,00,000 रुपए की ठगी। इंदौर पुलिस ने किया गिरफ्तार, चंद रोज में पैसा डबल करने का दे देते लालच। लिंगा पंचायत के परसपाड़ा से पिकअप हुई चोरी, स्थानीय जनों ने पुलिस की व्यवस्था पर उठाए सवाल, सीसीटीवी में घटना कैद होने की दी जानकारी। दूषित पानी से प्रभावित हो रही है आवलाझरी पंचायत की 35 एकड़ की खेती, जनपद के अधिकारी कर चुके हैं निरीक्षण, नहीं निकल रहा है कोई हल। लंबित मांग को लेकर लालबरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया शुरू, परियोजना अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, बताई परेशानी, तहसील के सभी आंगनवाड़ी में लटके ताले। परसवाड़ा तहसील के ग्राम रूपजर निवासी भागवत स्वयं को जिंदा साबित करने के लिए 2018 से सरकारी कार्यालयों के लगा रहा चक्कर, अधिकारी बोले लगेंगे 35 दिन। नगर के डाइट परिसर में आयोजित किया गया टीएलएम मेला, जिला स्तरीय शिक्षण सहायक सामग्री प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। चौदह मार्च को 12वीं क्लास की परीक्षा समाप्त होने पर छात्रों ने जताई खुशी, होली से पहले खेली जमकर होली। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा के पहले चरण की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का कार्य हुआ पूरा, गलत सवालों पर छात्रों को मिले बोनस अंक। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा 14 से 17 मार्च तक रहेंगे अवकाश पर, जिला पंचायत के सीईओ विवेक कुमार को मिला कलेक्टर का प्रभार। लालबरा तहसील की लाइफलाइन कहे जाने वाले सराटी जलाशय की नहरों की मरम्मत के लिए शासन ने स्वीकृत किए 26 करोड़ रुपए। बिजली वितरण कंपनी की नई योजना, मोबाइल पर पहुंचेगा बिजली बिल, कागज का बिजली बिल वितरण होगा बंद, 1 से 2 महीने के भीतर शुरू हो सकती है यह योजना। त्रिनापुर पुलिस थाना प्रांगण में आयोजित की गई होली और अन्य त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक, अवैध रूप से संचालित शराब दुकान का उठा मुद्दा। वारासोनी थाने में भी सभा कक्ष में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक, एसडीएम संदीप सिंह, एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी मुख्य रूप से रहे उपस्थित। वारासोनी रजिस्ट्री कार्यालय में फरवरी माह की तुलना में मार्च माह में कम हो रही है रजिस्ट्री, अप्रैल महीने में रजिस्ट्री के दाम बढ़ने का लोगों पर नहीं पड़ रहा है प्रभाव। शहर में स्कूली छात्र छात्राओं को सिखाए जा रहे हैं आत्मरक्षा के गुण, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बालाघाट के द्वारा सुरेश भैया जोशी के व्याख्यान पर संकलित पुस्तक का किया गया विमोचन, जनसेवक संघ बालाघाट के स्वयंसेवक सहित शहर के गणमान्य लोग रहे उपस्थित। आदिवासी समाज संगठन ने बारासुनी एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, डबरामा में 12 ज्योतिर्लिंग एवं अन्य मूर्ति स्थापना रोकने की मांग की। बारासुनी में तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम कैदी के छोटे टोला में पानी की समस्या, 1 किलोमीटर दूर से ला रहे पानी। बैर थाना के अंतर्गत गड़ी रोड पर कोका चौक में शिव मंदिर के पास इनोवा और मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर में मोहगांव निवासी सहदेव मरावी की हुई मौत। हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के बाद लोकल परीक्षाओं का होगा मंगलवार से आगाज, 12 अप्रैल तक चलेगी परीक्षाएं।